Hey guys, welcome back to our channel. Our today's recipe is brownies, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी, जिसके अंदर आपको किसी किस्म के केक से गनेश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इसको बनाएं और इंजॉय करें। इसके लिए आप यहाँ पे लेंगे सबसे पहले मैदा, ऑयल, मैंने एग्स लिए हैं, ये मैंने कोको पाउडर लिया है, वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर और ये मेरे पास पाउडर शुगर है। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले हम उनको एक तरफ कर लेंगे। ये मैंने मैदे को छान लिया था, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर को भी मैंने छान कर और इसके अंदर ऐड कर दिया है। स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और एक साइड पर रख दूँगी। ये काम आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया। अब मैं यहाँ पे एक बाउल लूँगी जिसके अंदर मैं एग्स डालूँगी। इसको कम से कम 2 मिनट तक मैं बीट करूँगी। आप देखिएगा जिसका साइज़ है वो डबल हो जाएगा। विद इन 2 to 3 मिनट्स इसका साइज़ डबल हो जाएगा। ये देखें आप लोग, जब यह हो जाएगा तो आपको मज़ीद इसको बीट नहीं करना है। अब मैंने इसमें ऐड की है पाउडर शुगर। 2 पार्ट्स में मैंने पाउडर शुगर ऐड की थी। अब ये मैंने बची हुई जितनी थी वो मैंने सारी डाल दी है और उसको तकरीबन मैं मज़ीद 2 मिनट तक या फिर 1 मिनट ही आप सिर्फ बीट कर लें कि जितनी भी पाउडर शुगर है वो सब मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने पूरा ऑयल ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसको मज़ीद मैं 1 मिनट तक बीट करूँगी। अब इसमें मैंने वेनिला एसेंस डाला है। अब जो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मुझे उनको ऐड करना है। मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 3 पार्ट्स में ऐड किया था। पहले मैंने ऐड किया और मैंने बस इतना चलाया है इसको कि जितने भी मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सिर्फ मिक्स हो जाए, इसके अंदर नज़र ना आए आपको। ओवर मिक्सिंग या ओवर बीटिंग मत कीजिएगा, वरना फिर आप लोगों के लिए मसला होगा, कहेंगे आप लोग फिर कि हमारी तो सॉफ्ट नहीं बनी थी। अब मैंने ये सेकंड पार्ट डाला है, इसको भी मैं इतना ही मिक्स करूँगी कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स मुझे नज़र ना आए, सारे मिक्स हो जाएं ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें। ओवर बीटिंग जो है वो बेसिकली आपकी ब्राउनीज को बहुत ज़्यादा सख्त कर देती है। ये मैंने तीसरा भी पार्ट डाल दिया है जितने भी था। अब मैं इसको मज़ीद मिक्स कर रही हूँ। ऑब्वियसली आपको उतना ही मिक्स करना है कि जितने भी आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब मिक्स हो जाएं। उससे ज़्यादा आप बीटिंग नहीं करेंगे इसकी, वरना फिर आप लोगों की ब्राउनीज़ हार्ड हो जाएंगी। ये टेक्स्चर देख लें आप लोग, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होता है ब्राउनीज़ का टेक्स्चर, इस तरीके का होगा टेक्स्चर। यहाँ पर मैंने पैन लिया था, स्मॉल वाला मैंने पैन लिया था, जिसको मैंने पहले ग्रीस किया, फिर मैंने ब्राउन पेपर लगाया। आप चाहें तो बटर पेपर ऐड करें, उस पर मज़ीद ऑयल लगाएं, अपना बैटर डालें और इसको आप रखेंगे ओवन में 20 to 25 मिनट्स के लिए। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने रखा था और ये हमारी ब्राउनीज़ बिल्कुल रेडी है। आप माशाल्लाह से इस पर शाइन भी देख सकते हैं और सॉफ्टनेस की तो बस क्या बताऊँ मैं आपको बात, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि सॉफ्ट थी? तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों की ब्राउनी सॉफ्ट बनी थी कि नहीं और इसका टेस्ट कैसा लगा आप लोगों को। मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार करूँगी और आप लोगों को कोई भी कोई सवाल पूछना है, कोई बात पूछनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। ये मैंने इसके ऊपर कैडबरी पाउडर था मेरे पास, मैंने वो थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। आप लोग चाहें तो कोको पाउडर से गार्निश कर सकते हैं या पाउडर शुगर से भी गार्निश कर सकते हैं। आप इसको रखें आराम से रूम टेम्परेचर पे 2 दिन के लिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। अल्लाह हाफिज़।